हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं नाम अदनान खान और आप देख रहे हैं अदनान के ब्लॉग। अदनान के ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है। आज मैं आ गया हूँ फिर से एक अपनी न्यू चैलेंज के साथ, जो है 24 आवर पास्ता चैलेंज। सुबह का वक्त है, बज रहे हैं 10। तो जैसे कि अगर आप पहले वाले वीडियोस देखे रहेंगे तो ब्रेकफास्ट में मैंने कप नूडल्स बनाया था, तो इस बार वही मैं करूँगा, बट थोड़े से कुछ इंग्रेडिएंट्स से थोड़ा कुछ मिक्स मैच करके कप पास्ता बनाने वाला हूँ। अभी 24 आवर पास्ता ही खाना है। तो जो नूडल्स खाया था तो चलो ठीक है, वो तो खाते नहीं, लेकिन पास्ता 24 आवर। चलते हैं, देखते हैं कैसा बनता है और ब्रेकफास्ट में मिलते हैं। सच में बहुत ही अच्छा बना था, सारे फ्लेवर्स आ रहे थे और जो हम बनाते हैं गैस पे उससे ज़्यादा मुझे लगा ये टेस्टी है। पूरा अच्छे से जितना माइक्रोवेव होना था बना, फिर हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभी बहुत ज़्यादा गल जाता है या फिर गीला हो जाता है या फिर बॉयल ही नहीं होता, लेकिन इसमें गुड टू गुड। चलो देखते हैं, फर्स्ट पार्ट तो कम्प्लीट हो गया, अभी आगे का क्या होता है तो मिलते हैं अभी बाद में। यहाँ पर हो गया है डन, एक बाउल भर के, क्योंकि पेट तो भरना है, तो इसको भी टेस्ट करते। मैंने बहुत सिंपल ही रखा है क्योंकि पास्ता है तो वेरी नाइस। Run.
तड़ा ओके हो गया है मेरा लंच भी पास्ता। थोड़ा मैंने इसके लिए सिंपल बनाया था कि खाना जाए गले में से जाए वो नीचे, तो गया है। और एंड में आते आते थोड़ा सा हो जाता है, बट ठीक है, टेस्टी था, अच्छा था। अभी देखते हैं आगे भी, क्योंकि अभी सुबह भी पास्ता, अभी भी पास्ता, अभी भी पास्ता, अभी भी पास्ता। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। अभी देखो कब मैं फिर खाता हूँ, और जब भी खाऊंगा तो पास्ता ही खाऊंगा। सो अभी हो गया है स्नैक टाइम, तो चलते हैं स्नैक लेते हैं। और आज मैं सोचा बाहर से स्नैक लेने, तो स्नैक लेके आ गया। मैंने इसके लिए मार्केट में नहीं खाया क्योंकि आज बहुत ज्यादा ही रश था। सो फिर मैं बोला घर पे चल के आराम से सुकून से खाते हैं। ये रहा मेरा स्नैक। इसमें इन्होंने देखा आपने जैसा ये पास्ता है, और पास्ता में इन्होंने ये भेल और वगैरह मिलाया है। सो ये है स्नैक, चलो खाते हैं। सो ये यहाँ पर रेडी है, खाते हैं स्नैक्स। नाइस। ये पास्ता और उसी के साथ तो हो गया है स्नैक। अभी मैं सोच रहा हूँ कि डिनर में क्या खाया जाए। स्नैक तो हो गया, ठीक था। अब डिनर की प्लानिंग, मिलते हैं डिनर में। बाय। तो ओके, मैं हूँ किचन में। तो आज मैं सोच रहा था आज भी बाहरी पास्ता खाने की, बट फिर भाभी लोग ने भी बोला कि आज हम लोग का भी मन कर रहा पास्ता खाने, क्योंकि आप पूरा दिन भर पास्ता ही खा रहे हो, तो देख देख के हमें भी मन कर रहा है। तो बोला सर ठीक है, चीज़ पास्ता मैंने कभी खाया नहीं है, ट्राई होगा, मेरा फर्स्ट टाइम। सो आई होप अच्छा बने। तो देखते हैं, अभी आ गया किचन में थोड़ी सी शूटिंग करने, थोड़ी सी हेल्प करने, और फिर आप लोग के साथ में फिर करेंगे डिनर। हो गया है डिनर भी। तो ये था मेरा 24 आवर चैलेंज पास्ता। डिनर में भारी नहीं पड़ा, बट जो स्नैक था और फिर जो लंच था वो थोड़ा सा वो लगा। तो यही मेरा 24 आवर चैलेंज करने का मकसद यही था कि अगर कोई करता है तो कैसा उसका एग्जैक्टली रिव्यू रहता है। सो इट माई वॉज लाइक कि मॉर्निंग ठीक था, डिनर ठीक था, जो स्नैक्स और जो लंच था वो थोड़ा सा मेरे लिए कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हुआ है, नहीं खाने हो रहा था।
बट ठीक है मैंने कंप्लीट किया है, बट द डिनर वाज टू गुड, वाज लाइक वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ द 24 आवर पास्ता चैलेंज। और आई होप आपको भी ये चैलेंज पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो को प्लीज़ लाइक करना। और आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो यार, कम ऑन यार, एटलीस्ट आप कमेंट तो करा करो, कमेंट किया करो, लाइक किया करो। आप देखते तो हो लेकिन लाइक नहीं करते, क्यों ऐसा? शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलता हूँ एक नए चैलेंज के साथ, जुड़े रहिए और यस सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।